हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम्स रसोई 24 में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले का भरवा यानी स्टफिंग करेला। ये बहुत ही टेस्टी स्पाइसी रेसिपी होता है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। भरवा करेला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे करेला। करेला किसी भी तरह का होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें मसाला भरना है, स्टफिंग करना है। इसके लिए देखिए, हम थोड़ा सा मोटे वाले करेला लिए हैं। इसका भरवा करेला बहुत ही अच्छा बनता है। इसका ऊपर का चाहे तो छील भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें यह है कि बहुत अच्छे से साफ़ कर देना है। हम आज इसको इसी तरह से बना रहे हैं, इसको स्क्रब नहीं कर रहे हैं, रगड़ के इसका छिलका नहीं उतार रहे हैं। फिर कढ़ाई में पानी चढ़ा दिए हैं, 2-3 गिलास पानी चढ़ा दिए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक, इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कटे हुए करेला सब डाल देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग बॉयल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें मसाला फ्राई करेंगे। देखिए, बढ़िया से करेला बॉयल हो गया है और देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। इस तरह से थोड़े मोटे हैं, थोड़ा टाइम लगा है इसमें, लेकिन अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। करेला हम बाहर निकाल लिए हैं और ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। भरवा करेला का स्टफिंग मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे, देखिए, 2 बड़े प्याज जिसे हम महीन काट लिए हैं, और ये लहसुन है और खड़ा जीरा का पेस्ट है, ये पीला सरसों का पेस्ट है, 2 चम्मच है ये, और ये भी 2 चम्मच है। दोनों 2-2 चम्मच हम लिए हैं। सरसों पीसने से फैलता है ज़्यादा। थोड़े से आम का टुकड़ा है, इसे भी हम पीस लेंगे। इसके जगह पे आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तड़के के लिए थोड़ा सा राई लिए हैं, काला वाला। और देखिए, यहाँ पे 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर लिए हैं और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम तीखा लाल मिर्च पाउडर है, आप अपने अकॉर्डिंग तीखा लेंगे। करेला बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, बहुत बढ़िया से। अब हम इसका अंदर का बीज यानी पल्प निकाल देंगे। और बीज पका हुआ नहीं, अगर बीज पका हुआ रहेगा तो उसे आप यूज़ नहीं करेंगे, उसे हम निकाल के हटा देंगे। और देखिए, इस तरह से हम इसे इसका बीज निकाल देते हैं चाकू के हेल्प से। इसे बहुत इजीली निकल जाएगा, देखिए आराम से। सभी में से निकल गया है, देखिए सभी में से अच्छे से निकल गया है, बहुत ही बढ़िया से। और ये भी ठंडा हो गया है, इसमें हम ये आम डाल देंगे और आम के साथ इसके भी हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे दोनों को मिक्स करके। इसलिए इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। पके हुए बीज का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं, गैस ऑन कर दिए, और इसमें हम 3 चम्मच सरसों का तेल यूज़ किए हैं। ये रेसिपी करेला का भरवा जो रेसिपी है, ये सरसों तेल में ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए आप सरसों तेल में ही बनाने का कोशिश करें। अब हम इसमें देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये राई डाल देंगे। राई कटा दिया है, अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। गोल्डन फ्राई हो गया है, बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और खड़ा जीरा जो पीसे थे वो डाल देंगे।
डेढ़ मिनट इसको भून लेना है लहसुन को, लहसुन का पेस्ट को, क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए थोड़ा। और अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का पेस्ट। देखिए कटोरी में इसे लगा रह जाता है, तो इसे भी हम पानी से या फिर चम्मच से निकाल के डाल देंगे अच्छे से। मसाले में हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके भूनेंगे, क्योंकि सरसों का जल्दी कच्चापन नहीं निकलता है और जलना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बराबर से चलाते रहेंगे। और गैस का फ्लेम हाई पे ही रहेगा, हाई पे ही हमें इसे भूनना है। सरसों का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुना गया है और बहुत ही बढ़िया वाला खुशबू भी आ रहा है इसमें से। इन्हें भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गया है हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें डाल देंगे ये सूखे मसाले, जिससे कलर इसका बहुत अच्छा आएगा, हल्दी और लाल मिर्च से। लाल मिर्च आप अपने अंदाज से डालेंगे। और ये हमारा आम और बीज का, जो करेला का बीज और पल्प है, उसे हम ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे भी आप पानी के मदद से या फिर चम्मच से डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसमें सूखे मसाले हम डाले हैं। और फिर इसे हम 5 मिनट इसे अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए। फिर मसाला को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें अंदाज से नमक डालेंगे। देखिए स्टफिंग करेला में इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इस रेसिपी को बनाने में, और थोड़ा तेल भी ज़्यादा यूज होता है। बाकी तो बहुत इजी है बनाने में, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसे बनाने में, इसीलिए कोई बात नहीं, बनता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये चीज़ है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनता है ये। बहुत ही बढ़िया से मसाला भुना गया है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर दिए थे, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दिया है और आपस में मसाला बिल्कुल चिपक गया है, बिल्कुल अलग अलग नहीं हो रहा है। देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है, तेल अलग से तो नहीं दिखेगा क्योंकि अब्सॉर्ब कर गया है, लेकिन देखिए कढ़ाई छोड़ दिया है, इसका मतलब कि तेल सेपरेट हो गया है। मसाला बहुत ही अच्छे से भुना गया है, मसाला कढ़ाई छोड़ दे इसका मतलब कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुना गया है, हमें इसी तरह का चाहिए। और देखिए सूख भी गया है बढ़िया से। अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने तक थोड़ा देख लिए छोड़ देते हैं। मसाला भी ठंडा हो गया है, करेला भी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके भर लेते हैं, चम्मच से या हाथ से या चाकू से, जिस जैसे भी आपको सुविधा लगे उससे आप भर लीजिए। इस तरह से आप अच्छे से भर लेंगे। सारे करेला हमें भर लेना है। इस तरह से उंगली के हेल्प से दबा देंगे। इस तरह से आउट टाइम पे भी फैला देंगे थोड़ा, मसाला नहीं उसका, इस तरह से लेयर कर देंगे दोनों तरफ से। इस तरह से
फिर से कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें अच्छा से 5-6 चम्मच तेल बढ़िया से डाल दिए हैं ताकि हमारा करेला स्टफिंग करेला अच्छा से फ्राई हो सके। बहुत ही बढ़िया गोल्डन फ्राई हो गया है हमारा करेला स्टफिंग करेला। अब इसे हम साइड करके निकाल लेते हैं। करेले का भरवा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी यम्मी बना है। एक बार आप इस तरह से बना करके ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएँ कैसा लगा हमारा रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।